और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नेरुल वार्ड 92 के नगर सेवक सुनील पाटिल से जनता नाराज, गटर फुटपाथ और उद्यान की बदहाली पर उठे सवाल। नगर सेवक को तो हमने आज तक देखा भी नहीं है, 5 साल हो गया। विकास बिल्कुल नहीं है। जो प्रेजेंट है उसको तो नहीं देना चाहिए। महानगर पालिका चुनाव आने को है, इसलिए जानना जरूरी है कि जिस नगर सेवक को जनता ने विकास के लिए चुना था उसने 5 सालों में कितना काम किया। वार्ड परिक्रमा के तहत आज दिखा रहे हैं नेरुल के प्रभाग क्रमांक 92 की तस्वीर। यह वार्ड भाजपा के सीनियर नगर सेवक सुनील पाटिल का है, जिनकी पार्टी विकास पर जोर देती है, जहाँ के गटर और फुटपाथ बदहाल और विकास से वंचित है। नागरिकों की नाराजगी भाजपा नगर सेवक की इस उपेक्षा का सबूत देती है। बाकी पहले के नगर सेवक थे, वो घर तक हम उनके घर तक जाते थे, वो हमारे घर तक आते थे, तो लोग संपर्क में थे, कभी भी फोन करते थे तो अभी एक्टिव थे। अभी इनका तो किसी को फोन नंबर पता नहीं है, तो देने में फायदा नहीं लगता है। जो प्रेजेंट है उसको तो नहीं देना चाहिए। अब उनका चेहरा ही नहीं देखा है तो नंबर तो अभी जितना दे दो। रूटीन काम पहले 5 साल पहले ही होता था, अभी भी हो रहा है वो नंबर। अब 2-3 नंबर जो देते हैं दो, मतलब लोकप्रिय नहीं है वो। विकास बिल्कुल नहीं है। जब से सिडको ने NMMC को दिया है तब से ये फुटपाथ ऐसे ही पड़ा है। उसका आप ढक्कन के ऊपर देखेगा तो भी NMMC भी लिखा है, सिडको भी है। नया ढक्कन कभी बदली नहीं हुआ है, कभी फुटपाथ का एक भी कपस्टोन बदली नहीं हुआ है। ये गार्डन के अंदर जो वॉकिंग स्टेक है उसका जो टाइल्स है पहले से जो भी डाला है तब से ऐसे ही पड़ा है। और अपना कपस्टोन है जो अपना फुटपाथ का, वो भी सिडको ने डाला वही से, उसके बाद चेंज ही नहीं हुआ है। उसके ऊपर कुछ कलर ही नहीं हुआ है आज तक। मतलब सेक्टर 21 का अंदर कोई भी काम नहीं होता है। सेक्टर हमारा सामने का सेक्टर 19 नंबर 1 है, हाँ, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। इधर भी कितना सालों से ये सब होते रहे। रोड भी बहुत टूटने के बाद काम होता है रोड, उसको कांटेक्ट नहीं हुआ कभी। आज ही दिखाई दिया है वो रोड का काम चालू हुआ, चुनाव नजीक आया है इसलिए आज दिखाई दिया है। और वो बोलता है सब काम करेगा, वो बाकी का लोगों को मालूम है कैसे किसको क्या काम किया है वो। ये गार्डन का काम देखो और बाजू का गार्डन का काम देखो, जमीन आसमान का फर्क है। इस गार्डन में हम लोग यहाँ से 25 साल से रह रहे हैं, आज तक एक गाड़ी मिट्टी नहीं डाला है। ये चेयर जो है ना, ये हम लोग खर्चे से चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे डागा जी था, ये दिनेश भाई है, ये जो झाड़ काटते हैं हम लोग काटते हैं, चेयर बदली करते हैं हमारे पैसे से करते हैं। फिर जो गार्डन का जो घास कटाई करते हैं हमारे दिनेश भाई है, उनके साइड से आदमी आता है, उनके पैसे से कटवाते हैं। फिर महानगर पालिका क्यों रखी इधर, क्या उनको पूजा करने के लिए रखा है क्या? जिस तरह से हमको सुविधा मिलना चाहिए उस तरह से हमारे 93 वार्ड में नहीं मिल रही है। आज हमारी फुटपाथ देखो उसका हालत क्या है, हमारा रोड का हालत देखो क्या है, हमारी लाइट देखो उसका हालत क्या है। कभी कभी 7-7 दिन लाइट नहीं रहती। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बीच में आज तक कोई पत्रकार तक भी नहीं आते थे, क्योंकि वो भी वही देखते थे जहाँ कोई नगर सेवक या कोई नेता उनको लेके जाए, और हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि हम किसी पत्रकार को अपने तक लाए। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि एक ज़माने में जब हम लोग यहाँ घर लिए थे तो ये सबसे हृष्ट पृष्ट एरिया माना जाता था कि 21 में काफ़ी हृष्ट पृष्ट लोग रह रहे हैं। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अच्छे अच्छे लोग, इसमें हमारे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर भी हैं जो कि इस एरिया को छोड़ के दूसरे जगह जाके बस रहे हैं। इसके पीछे कारण है यहाँ का डेवलपमेंट, और यहाँ का डेवलपमेंट शब्द का मेरे ख्याल से डी भी नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर कभी कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पर जिस मकान में मैं रहता हूँ, ये मकान मेन रोड पे है, वहाँ आज भी रोड का काम चालू कर दिया है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि 2 दिन में वहाँ बगल का गटर अभी चलिए जाम हो गया, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे रोड का काम का फ़ायदा क्या है?
ना यहाँ ना सबसे बड़ी जो यहाँ प्रॉब्लम है, देखिए जो पानी आता है वो कॉरपोरेशन देता है और आना ही है, क्योंकि अगर पानी घर में नहीं मिलेगा तो सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर है, जैसे बिजली का पोल है, खंबा है, बिजली रात में टाइम पे चालू नहीं होता है, सुबह जल्दी बंद हो जाता है, ना खंबा ठीक तरह काम करता है, ना रोड हमारे पास सही तरीके से है, ना हमारे फुटपाथ सही तरीके से हैं। और हाँ हमारे मतलब इसमें ये होता है कि सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम लोग ये इतने शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं, इनके पास समय नहीं है, या ये अपने इज्जत के कारण ये लोग नगर सेवक को भी अप्रोच करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या कॉरपोरेशन में जाने के लिए भी हिचकिचाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमें कोई काम कराना है तो इनके पास जाना पड़ेगा या ये हमारे पास आएंगे, पहले हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना होगा कि ये हमारे पास आएंगे या हम उनके पास जाएंगे। अगर हम उनके पास जाएंगे तो फिर ये चुनाव कैसा, फिर इस चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको मैं दिल से बता दूं कि ये जो मुहिम आज चली है, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद मेरे ख्याल से कि ये बात म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंचे कि हम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस बार चुनाव लड़ने देने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। तस्वीर में दिख रहा सेक्टर 20 का शंकराचार्य उद्यान नागरिकों की शिकायत को सच साबित कर रहा है। उद्यान में न घास है, न लाइट है, न बैठने के लिए ढंग की व्यवस्था, इसलिए यहाँ के नागरिक नगर सेवक और महानगर पालिका की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने खुद पैसा खर्च कर लाइट और बैठने की व्यवस्था की है। नागरिकों ने सवाल पूछा कि जब टैक्स हम भी भरते हैं तब इस वार्ड के विकास में भेदभाव क्यों? आज ओपनिंग था करके नारियल फोड़ा तो हमने देखा कि नारियल नगर सेवक इधर पाटिल साहब करके है, हमने बोला भाई हमको क्या नारियल फोड़ने के लिए लाया क्या, बाकी काम कौन करेगा, बाजी का वोट देखो ना, ये क्यों हो रहा है, तो भेदभाव क्यों है? अगर 93 में और 100 में भेदभाव क्यों है? इस वार्ड में करोड़ रुपया ग्रांट पास होती है तो इस वार्ड में करोड़ रुपया ग्रांट क्यों पास नहीं होती है? आज जो सीनियर सिटीजन के लिए वेनु केंद्र कुछ बनाया है, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, सीनियर सिटीजन यहाँ बैठते हैं, उधर नहीं बैठते हैं। आज आपको आप कैमरा मारो, यहाँ डेली शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे कम से कम 60 से 70 लोग ऐसा 2 घंटा यहाँ के बैठते हैं। जिस तरह से वो ये बनाया हो, उधर कुर्सी नहीं डाला, लाइट नहीं डाला, आज 6 महीना हो गया, क्यों नहीं डाला है? क्योंकि हम लोग क्या टैक्स नहीं भरते क्या, सेक्टर 21 वाले का टैक्स नहीं भरते क्या नगर पालिका को? कॉरपोरेटर का कर्तव्य ही है कि जो जन को सुख मिले, उनकी जो जितने वोटर हैं उनके एरिया के, उनको जो सुख सुविधा प्राप्त हो तो उन्हीं से वो खुश भी होंगे। जब वो सालों तक 5 साल तक कभी किसी से कांटेक्ट में रहेंगे नहीं, अगर वो काम कुछ की करेंगे तो अभी स्वाभाविक है कि लोग उनसे उतना खुश नहीं हो पाएंगे। काम अगर होता है तो काम तो रूटीन में वो काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा दिमाग में बात ये रहेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा है कि जो अपने उनको मैं पहचान नहीं पा रहा, वो हमसे हमको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी लैकुना वहाँ हो जाती है। जो हमारा नगर सेवक ये चुनाव जो नगर सेवक चुनाव, हम ऐसे आदमी को चाहते हैं जो जैसे हमारे दागा साहब जो कि यहाँ के सबसे हृष्ट पृष्ट में से माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो आदमी जिसको हम जानते हैं, जो हमारे तक आता है। देखिए काम तो एक हो गया जो कि रोड नियति काम जो होती है, रोड ये वो, दूसरा काम होता है कि आदमी को सुख दुख में साथ देना, जो हमें हमारे एरिया को ध्यान देते हुए हमारे पारिवारिक संपर्कों में हमारे रहे और हमें अपने परिवार की तरह लेके चलें, जो जो हमारी इच्छा है। नगर सेवक सुनील पाटिल का दावा है कि सेक्टर 20 और 21 में विकास के ढेरों काम हुए हैं, लेकिन यहाँ की बदहाली तो कुछ और ही हकीकत बयान करती है। जाहिर है विकास को लेकर जिस तरह की लापरवाही प्रभाग 92 में हुई है, उससे आने वाले चुनाव में नगर सेवक की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।